हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सॉल्यूशंस का लेक्चर 9 होगा और इस लेक्चर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि सॉल्यूशंस में आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एजियोट्रॉप्स स्टार्ट करने से पहले, मैंने लास्ट लेक्चर 8 में मैंने आपको बताया था कि नन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में दो डेविएशन होता है। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए, पॉजिटिव डेविएशन का मैंने आपको ग्राफ समझाने के लिए बोला था कि आपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राफ बताऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। पहले सबसे पहले आता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अभी ग्राफ बता देता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट में आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इसमें ग्राफ देखते हैं। पहले इसमें ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट ऑरिजिन तो होता है, सब कुछ जानता है। अच्छा, अब देखिए, ये पॉइंट जो हमारा होगा, ये वाई एक्सिस पे, जो हम इसमें वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे हम वेपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर कुछ करेगा, यहाँ पे आ गया मोल फ्रैक्शन, वो एक्स एक्सिस पे हमने, मैं मोल फ्रैक्शन ले लिया हूँ और मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर देता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इसमें ऐसा है कि दो लिक्विड था, एक का मोल फ्रैक्शन एक काई1 है, दूसरे का काई2 है। तो और सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बाउंड्री क्यों बनाई है आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए, इस पॉइंट पर काई1 का वैल्यू 0 होगा। हाँ, इस पॉइंट पे काई1 का वैल्यू 0 होगा और मोल फ्रैक्शन क्योंकि क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ काई1 का वैल्यू 0, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, काई2 का वैल्यू हमेशा और हमेशा 1 होगा, क्योंकि काई1 प्लस काई2 को हमेशा 1 होना है। और ये मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जाएगा तो काई1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और कुछ तो हो नहीं सकता है, मैक्सिमम तो 1 से ज़्यादा जा नहीं सकता है। इस पॉइंट तक ये बाउंड्री बनाने का ये मतलब हुआ कि बाउंड्री लाइन में मोल फ्रैक्शन को लिमिट बनाने का। तो यहाँ पे हमारा इस पॉइंट पे हमारा काई1 का वैल्यू 1 आ गया और काई2 का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोग मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, एक्स काई1 का मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे, तो सबसे पहले इसी में हम आइडियल सॉल्यूशन का मैं इसमें ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, जिसमें दो लिक्विड है, लिक्विड 1 और टू से मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। लिक्विड है जो भी सॉल्यूशन स्पॉन कर रहा है और उसका मोल फ्रैक्शन है काई1 और काई2 किसी भी इंस्टेंट पे। तो इस इंस्टेंट पे काई1 0, काई2 1, इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम हो जाएगा काई1 1 और काई2 0। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आइडियल सॉल्यूशन लेकर बनाऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव डेविएशन में कैसे कैसे ग्राफ चेंज हो जाएगा। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता था कि काई1 का वैल्यू 1, सॉरी यहाँ पे 0, तो जैसे जैसे काई1 इंक्रीज करेगा, इट मीन्स जब काई1 यहाँ पे मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा तो वहाँ पे केवल सॉल्वेंट है, एक ही सॉल्वेंट है, वो लिक्विड है, लिक्विड फर्स्ट लिक्विड है। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हेनरी रॉल्स लॉ के हिसाब से और हेनरी लॉ के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने कहा दिया कि P0 1, ठीक है। अब देखिए, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, और उसी में जब मैं काई2 को ले लूँ, जब सेकेंड लिक्विड कर लूँगा जहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कि इस ये मैक्सिमम है और यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर लीनियरली डिक्रीज करते चला जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो सपोज करते हैं यहाँ पे कुछ प्रेशर, मैं इसे थोड़ा और ऊपर बना लेता हूँ, हाँ यहाँ पे सपोज करता हूँ इस पॉइंट पर प्रेशर था हमारा
P02 यहाँ पे इस यहाँ पे प्रेशर था, तो यहाँ से क्या होगा, ये डिक्रीज करते जाएगा और एक और सीधे जाकर जीरो पर आ जाएगा। जीरो पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ का एल्टीट्यूड जीरो है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए अब जब सॉल्यूशन कहा जाएगा, जब ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में, ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में, लिक्विड सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ लाइन ये थर्ड लाइन हो जाएगा, ये थर्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ विच लिक्विड, नॉन सॉरी आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का लिक्विड, ये दो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये गया थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन जो ये फर्स्ट लाइन है, मैं इसे फर्स्ट लाइन से डिनोट कर दे रहा हूँ। ये क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कैसे जैसे सच वैसे वेपर प्रेशर उसका कैसे एट सर्टेन टेम्परेचर टी। सेकेंड में क्या हो रहा है कि यही लिक्विड सॉरी सेकेंड लिक्विड टू का मोल फ्रैक्शन पहले ही मैक्सिमम था और उसका डिक्रीज कर दिया, एक का इंक्रीज करेगा तो दूसरे का क्या होगा डिक्रीज करेगा, जैसे दूसरे का डिक्रीज किया तो वो लीनियरली डिक्रीज करके यहाँ जीरो पे आ गए, और जब वो दोनों को सॉल्यूशन में मिक्स किए थे इसका ये थर्ड लाइन आ जाएगा, ये सेकेंड लाइन हो गया और ये थर्ड लाइन आ जाएगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का आ गया। अब देखिए अब बात ये करना है हमें, हमें अब ये समझना है कि जब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है तो हर एक पॉइंट पर इसका ग्राफ मैक्सिमम पर पहुंचेगा, हर एक पॉइंट पर, यानी कि हर एक लाइन को हम कुछ इंक्रीजमेंट दिखाएंगे, हर एक लाइन लाइन फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को कुछ इंक्रीमेंट दिखाएंगे इंक्रीमेंट। तो देखिए ये इंक्रीमेंट कैसे दिखाते हैं, ये ऐसे हो गया, ये इंक्रीमेंट हो गया, तो इस इंक्रीमेंट इस लाइन को हम कह देंगे ये हमारा P1 है, ठीक है, ये हमारा P1 आ गया। सेकेंड सिमिलरली सेकेंड लाइन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ इंक्रीमेंट हर एक पॉइंट पर, ये हमारा है P2, सेकेंड लाइन जो है ये हमारा P2 है, और थर्ड लाइन को जो दिखाएंगे ये हो जाएगा वेपर प्रेशर। और ये क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, तो हर एक पॉइंट पर वेपर प्रेशर जो होगा वो मैक्स सेम टेम्परेचर पे क्या होगा सेम, ये उससे इंक्रीमेंट होगा, वेपर प्रेशर कुछ इंक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर कुछ इंक्रीज करेगा, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर VP मैंने इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, मीन्स हर एक पॉइंट पे लाइन इंक्रीज, हर एक पॉइंट बीच में क्या होगा हर एक पॉइंट पे इंक्रीमेंट होगा, और इस इंक्रीमेंट को हम लोग ऐसे नोट करेंगे जिस तरह से मैं यहाँ पर कर दिया। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन, ये था पॉजिटिव डेविएशन का। अब मैं आता हूँ नेगेटिव डेविएशन पे। नेगेटिव डेविएशन पे कुछ नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन पे बस इस इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीजमेंट रिड्यूस कर देगा ग्राफ। पहले आप उसमें सिमिलरली इसी तरह इसका ग्राफ बनाएंगे, जैसे नॉन आइडियल जैसे आइडियल के सॉल्यूशन का मैं बना देता हूँ उसमें पॉजिटिव डेविएशन दिखाया हूँ, उसी तरह इसमें पहले हम आइडियल सॉल्यूशन बना के इसमें नेगेटिव डेविएशन में आपको शो कर दूंगा। तो देखिए इसमें आता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ये वन, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बाउंड्री बना लिया ये बाउंड्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा काई2 का वैल्यू और काई1 का वैल्यू जीरो, चेक कर लीजिए जैसे ये वैसे ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर मैं पीवी ले रहा हूँ इंक्रीज करेगा, और एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन इसमें इंक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे इसे वन मान लेता हूँ और इसे, क्योंकि यहाँ पे जीरो वन था तो इसे यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन होगा तो यहाँ पे यहाँ जीरो, यहाँ पर
तो देखिए इसमें ओवरऑल हम फर्स्ट लिक्विड का मोल फ्रैक्शन को इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ हम एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन हम मैं ले लिया हूँ। तो देखिए जैसे फर्स्ट लिक्विड था उसको फर्स्ट लिक्विड को बनाएंगे तो यहाँ पे ऐसे चला जाएगा सीधे, और ये जो पॉइंट होगा ये सिमिलरली हो जाएगा। यहाँ पे P0 फर्स्ट लिक्विड के लिए, और यह हमारा लाइन हो जाएगा फर्स्ट लाइन। सिमिलरली सेकेंड लिक्विड का जब मैं बनाऊंगा तो सेकेंड लिक्विड का डिक्रीज कर जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन है याद रखिएगा, एग्जैक्ट स्ट्रेट तो नहीं होगा, फिर से बना देना। ये हमारा सेकेंड लाइन हो गया, और इस प्रेशर को मैं क्या बोल दूंगा P2 naught। ये प्रेशर हो गया P2 naught, जहाँ पे काइटू का वैल्यू 1 है, इट मीन्स वहाँ मैक्सिमम प्रेशर है उस, क्योंकि और कोई सॉल्वेंट है नहीं उसका, इसलिए मैक्सिमम प्रेशर है सेकेंड लिक्विड का। और इसका जब सॉल्यूशन का मैं बनाऊंगा तो ये ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि थर्ड ग्राफ होगा, थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इसका सॉल्यूशन। थर्ड लाइन फर्स्ट लिक्विड, देखिए फर्स्ट लाइन फर्स्ट लिक्विड, सेकेंड लाइन सेकेंड लिक्विड, और थर्ड लाइन जो हमारा वो सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स कर दिए, और हर एक ग्राफ में इसमें इंक्रीमेंट दिखाएंगे, इसमें डिक्रीमेंट दिखाएंगे। सिमिलरली इसी तरह इसमें फर्स्ट लिक्विड फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड, यहाँ पे मैं सेकेंड बना देता हूँ, सेकेंड लिक्विड सेकेंड लाइन थर्ड लिक्विड, जो कि दोनों का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिक्रीमेंट होगा, तो हर एक पॉइंट पे डिक्रीमेंट हम कैसे दिखा रहे हैं, यहाँ जस्ट उसका अपोजिट ग्राफ बना दिया, यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे भी इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे भी इस तरह से हो जाएगा। मीन्स हर एक पॉइंट पे उसमें क्या दिखाएंगे कि ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव डेविएशन प्रोवाइड कर रहा है। निगेटिव डेविएशन क्योंकि उसमें क्या वेपर प्रेशर का कम होगा, वैल्यू क्यों होगा कम, क्योंकि ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉगर देन ए बी मोलिकुलर इंटरेक्शन इज स्ट्रॉगर देन ए ए एंड बी बी मोलिकुलर इंटरेक्शन, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो ये लाइन जो डिनोट करेगा, थर्ड लाइन का जो डिक्रीमेंट है वो डिनोट करेगा लाइन ऑफ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। देखिए चेक कर लीजिए, लाइन ऑफ ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो ये था नेगेटिव डेविएशन का, ये था पॉजिटिव डेविएशन का, तो कुछ डेविएट कर गया ये अपने लाइन से, स्ट्रेट लाइन से कुछ डेविएशन हो गया, और इसमें नेगेटिव डेविएशन होगा, इसमें इट मीन्स हर एक पॉइंट पे उससे कम वैल्यू ले रहा है, इसमें पॉजिटिव होगा, इट मीन्स हर एक लाइन में हर एक उसके पार्टिकुलर पॉइंट पे उसका वैल्यू हमेशा और हमेशा इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन दे रहा होगा, इसमें डिक्रीज कर रहा है, इसमें नेगेटिव डेविएशन, दोनों में बस यही है। अब मैं आपको ग्राफ समझा दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आज का लेक्चर नाइन में स्टार्ट हो चुका है, इसमें मैं आपको एजोटॉप्स के पिक्चर के बारे में समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे एजोटॉप्स, मैं यहाँ टॉपिक लिख देता हूँ एजोटॉप्स, और इसका डिफिनेशन भी साथ साथ लिख दे रहा हूँ, पहले आप इसको जहाँ से आपको इसका क्लियर एकदम अच्छी तरह से हो जाएगा, और उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट वहीं से निकल जाएगा। एजोटॉप्स देखिए, एजोट्रॉप्स आर लिक्विड बाइनरी मिक्सचर्स, लिक्विड होता है, लिक्विड मिक्सचर्स और क्या होगा, बाइनरी, इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होगा, बाइनरी मिक्सचर्स। एजोट्रॉप्स आर लिक्विड बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव सेम कंपोजिशन that have same composition. Azeotropes are liquid binary mixtures that have same composition in the liquid phase
in the liquid phase, azeotropes are liquid binary mixtures that have same composition in the liquid phase and vapor phase. The same composition in the liquid phase and vapor phase, and boils at constant temperature. एग्जाम्पल मैं इसे आपको बता देता हूँ. एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपको इथेनॉल, इथेनॉल 95% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम. और सेकेंड एग्जाम्पल एक और हो जाएगा 68% HNO3 सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है. ये दोनों एग्जाम्पल का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एजोट्रॉप्स होता है लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर्स होगा, और इसमें क्या होगा बाइनरी मिक्सचर्स होगा. इक्विन मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज 2 that have same composition in the liquid phase and vapor phase and boils at constant temperature. अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं हमने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में जैसे यही एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ. जैसे एग्जांपल तो ये है कि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन वाटर बाय वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट कंसंट्रेशन टर्म्स से मिलता जुलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. सेकेंड है 68% HNO3 सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम. तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल अगर है कि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन वाटर बाय वॉल्यूम, इसमें क्या है कि सपोज करते हैं कि हम 95% इथेनॉल सॉल्यूशन ऑफ इन वाटर में ले लिए बाय वॉल्यूम, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो लिक्विड फेज में जितना इसका कंपोजिशन होगा, तो लिक्विड फेज में इसका कंपोजिशन क्या है, लिक्विड फेज में इथेनॉल का कंपोजिशन है 95%. तो इसका हम इस तरह से बोल सकते हैं कि आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन होगा इसके सॉल्यूशन में वो 0.95 होगा सिंपली, और वाटर का जो होगा वो कितना होगा 0.05 मोल फ्रैक्शन होगा वाटर का, या फिर आप ऐसे मोल फ्रैक्शन ना बोलते, इसमें आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें जैसे कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन से इसको रिलेट आप नहीं कर सकते हैं. जैसे एक इथेनॉल सॉल्यूशन ले लिया, जो फर्स्ट एग्जांपल में बताया कि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन वाटर में ले लिया, उसके वॉल्यूम के हिसाब से 95% इथेनॉल सॉल्यूशन है. ठीक है, तो अब देखिए जैसे वाटर में ले लिया तो इसका जो कंपोजिशन था इथेनॉल में उसके वाटर के सॉल्यूशन में, तो वो कितना था 95% इथेनॉल था, तो वो लिक्विड फेज में था. अभी लिक्विड फेज में उसका कंपोजिशन कितना था 95% इथेनॉल था और ओनली 5% वाटर था, तो 5% वाटर हो गया और 95% इथेनॉल हो गया अपने सॉल्यूशन में इनकी इन विच फेज इन लिक्विड फेज. तो लिक्विड फेज में तो वो हो गया, लेकिन जब उसको हम हीट करेंगे किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो वो एक टेम्परेचर फिक्स होगा. देखिए यहाँ पे इट्स ऐसे समझिए जैसे उसमें हम लोग उसको हीट करेंगे, तो हीट करने पर ये क्या होगा, हीट करने पर उसमें यह होगा कि जो वेपर फेज में जाएगा सॉल्यूशन वेपर फेज में जाएगा तो उसमें जो इथेनॉल का कंपोजिशन होगा वो भी 95% होगा और वाटर का कंपोजिशन भी 5% होगा. इट मीन्स जितना उसका सॉल्यूशन में मीन्स उसका जितना ये लिक्विड फेज में जितना उसका कंपोजिशन था उतना ही कंपोजिशन उसका गैसियस फेज में भी रहेगा, वेपर फेज में भी रहेगा. 95% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर बाय वॉल्यूम, और वो किसी भी टेम्परेचर पर हीट कर देंगे तो जरूरी नहीं है कि 95% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल वो हमेशा एजोट्रॉप शो करेगा. इट मीन्स उसका कंपोजिशन जो 95% इथेनॉल था वाटर में या मीन्स लिक्विड फेज में वही वेपर फेज में भी वो शो करें किसी भी टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं, वो एक सर्टेन टेम्परेचर होगा. और इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. देखिए एक बार और डिफिनेशन को देखिए, कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आएगा कि एजोट्रॉप्स आर लिक्विड बाइनरी मिक्सचर्स. लिक्विड है इथेनॉल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड है, और दो लिक्विड को मिक्स किए तो एक बाइनरी सॉल्यूशन बन गया. आर लिक्विड बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव सेम कंपोजिशन
मीन्स लिक्विड फेज में जितना कंपोजिशन है कितना है तो 95% एथेनॉल है, 5% वाटर है, और वेपर फेज में जब उसको हीट करेंगे तो 95 जो वेपर फेज में जो उसका कंपोजिशन होगा वो भी 95% एथेनॉल होगा, और वाटर होगा हमारा कितना 5%, वो भी 95% एथेनॉल और 5% वाटर वेपर फेज में भी होगा एट कॉन्स्टेंट एंड बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कब? जब उसको एक सर्टेन टेम्परेचर हीट करेंगे, वो टेम्परेचर एक ही होना चाहिए, एक यूनिक टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, और उस टेम्परेचर को हम लोग एजोट्रॉपिक टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो उसका डिफिनेशन ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट यहीं से निकल गया था, वहीं से उससे बस ऐसे कर दिया गया उस कॉन्सेप्ट को कि वो एजोट्रॉपिक टेम्परेचर होता है। तो देखिए यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, जैसे देखिए 68% H2O3 सॉल्ट इन वाटर बाय वॉल्यूम, तो एक हमने बीकर ले लिया उसमें ये सेकेंड सॉल्यूशन या 68% H2O3 सॉल्यूशन है बाय वॉल्यूम के हिसाब से, तो 68% उसमें कंपोजिशन है लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन फेज यानी कि लिक्विड फेज, और वाटर का है 32% हो जाएगा। जब उसको हीट करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर एंड विच इज द टेम्परेचर ऑफ एजोट्रॉप्स मीन्स एजोट्रॉप टेम्परेचर, एजोट्रॉपिक टेम्परेचर, तो उसमें ये उसमें भी यही स्थिति रहेगा कि उस वेपर में भी 68% H2O3 का रहेगा और उसमें वाटर का भी 32% ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अगर उसे एक एजोट्रॉपिक टेम्परेचर में हीट करेंगे तब, ऐसे नहीं। तो ये था हमारा एजोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट। अब आता है इसमें एक और क्वेश्चन, ऐसे आपको ट्वेल्थ बोर्ड या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें ऐसे पूछ सकता है कि व्हाई एजोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि पहले वेपर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड किए तो वो वेपर मिल गया, फिर उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस कुछ होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उसमें, तो उसमें अब क्या हुआ कि देखिए एक तो वेपर से लिक्विड में गया, वेपर से लिक्विड में गया तो वो वेपर फेज में जितना कंपोजिशन रहेगा उतना ही कंपोजिशन उसमें लिक्विड फेज में भी रहेगा, तो उसको हम कहाँ से फिर ये कर सकते हैं, उसको हम लोग फिर सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने ये सोच लिया कि जैसे वेपर फेज में है, जैसे हमने इथेनॉल का सॉल्यूशन ले लिया वाटर में 95% इथेनॉल सॉल्यूशन वाटर बाय वॉल्यूम ले लिया और जो हीट करना स्टार्ट कर दिया गया और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के अंदर चला गया, तो उसमें जो वेपर फेज में जाएगा वेपर फेज में उसका 95% तो रहेगा ही रहेगा, और जब वो कंडेंस करेंगे तो हम ये सोचे कि कंडेंस करके वो वाटर को हम वाटर नहीं उसमें भी इथेनॉल है क्योंकि वो लिक्विड फेज में था, लिक्विड फेज में आ गया, तो वेपर फेज में जितना कंपोजिशन था पहले से उतना ही लिक्विड फेज में भी वही कंपोजिशन रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया एजोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब आता है एजोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन, एजोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन, देखिए एजोट्रॉप्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, सेकेंड होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। देखिए नाम से यहाँ पता चल रहा है कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स है, तो इसमें क्या हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स यानी कि मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर होना चाहिए, इट मीन्स जितना टेम्परेचर था आइडियल सॉल्यूशन के केस में उससे कम, इट मीन्स क्या शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं सो हाईली पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, फिर मैं आपको डिफरेंस बताते चलता हूँ और इसमें इसी से एक एक का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर भी हो तो चला जाएगा। अब देखिए
इसमें आ गया सो हैवी पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और ये क्या शो करेगा, सो हाईली नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ से हाईली नेगेटिव डेविएशन इसलिए शो करेगा क्योंकि देखिए नेगेटिव डेविएशन जो सेट शो करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो कम होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वो और इंक्रीज हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने सॉल्यूशन में, इसलिए वो मैक्सिमम का मैक्सिमम जहाँ पे है उसको नेगेटिव कर दीजिए। इसको याद करने का भी तरीका है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो इसका डिफिनेशन भी ऐसे मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बस आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। जैसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगी, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर दोज एजियोट्रॉप्स विच शो हाईली पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एंड बॉइल्स एट मिनिमम टेम्परेचर, या फिर एट बॉइल्स एट मिनिमम टेम्परेचर लिखने का जरूरत है यहाँ पे, बस इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स शो हाईली पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। पहले तो एजियोट्रॉप्स जैसे अगर ये पूछे तो एजियोट्रॉप्स का एक डिफिनेशन लिख दीजिए, उसके बाद ये आप ऐसे लिख दीजिएगा तो उतना बहुत सफिशियंट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल 95% इथेनॉल सॉल्यूशन इन H2O बाय वॉल्यूम, जो पहला एग्जाम्पल था ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड हो जाएगा यहाँ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 68% HNO3 इन H2O बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया 68% HNO3 इन H2O बाय वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि एजियोट्रॉप्स आर लिक्विड बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव सेम कंपोजीशन द लिक्विड फेज एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में आ गया कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहेंगे। फ्रॉम रॉड्स लॉ के डाटा के अकॉर्डिंगली वो पॉजिटिव डेविएशन है, इट मीन्स उसका वेपर प्रेशर हर एक चीज, हर एक पॉलीजेटिव प्रॉपर्टी जो एक आता है वो हम लोग अभी लेक्चर 10 में डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करे हर एक पॉलीजेटिव प्रॉपर्टी में। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा, सो हाईली नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ के डाटा के हिसाब से उसमें जो वैल्यू आए ऑब्जर्व वैल्यू वो कम है, नेगेटिव डेविएशन वो शो करेगा। एग्जांपल हो गया HNO3 इन H2O बाय वॉल्यूम, अब देखिए इसका मैं आपको यहाँ से ग्राफ बता के समझा देता हूँ दोनों का ग्राफ अलग अलग कैसे कैसे किसी एक फिक्स्ड स्पेसिफिक कम। देखिए ऐसा है कि एजियोट्रॉप्स में एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, उस स्पेसिफिक कंपोजिशन में ही और वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो एजियोट्रॉप्स नेचर को शो करेगा, और दूसरे किसी भी टेम्परेचर, और अगर मानते हैं कि एक एजियोट्रॉप्स टेम्परेचर हो गया किसी एक लिक्विड का और उसमें हमारा क्या कहते हैं कंपोजिशन, अगर सेम वो कंपोजिशन जिसमें वो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन एक्वायर कर रहा था वो कंपोजिशन नहीं, तो भी वो एजियोट्रॉपिक नहीं शो करेगा। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि 95% ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, 95.1 पे भी नहीं करेगा, एग्जैक्ट इतना होना चाहिए 68% 90 इसकी इधर उधर भी रहेगा तो हल्का मतलब एग्जैक्ट आप इतना लेके चले कि 95% यहाँ पे 68% यहाँ पे। अब देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मैं आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ, देखिए ये अगर मैं टेम्परेचर का ग्राफ बना लिया टी, टेम्परेचर का टी मीन्स टेम्परेचर यहाँ मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ, और ये हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहले इसी का ग्राफ बनाना है, 95% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय H2O बाय वॉल्यूम, ठीक है चलिए मैं कैमरा सीधा कर रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि एक बाउंड्री बना लेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि
और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि इथेनॉल को मैं 1 लिया हूँ, इथेनॉल 1 हो गया, और वाटर जो हो गया वो सेकेंड सॉल्वेंट हो गया, वाटर सेकेंड सॉल्वेंट ले लिया, इथेनॉल फर्स्ट सॉल्वेंट, और उसी पर उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर डिनोट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट को एक तरह से आप ऐसे छोड़ सकते हैं, इस पॉइंट पे हटा दीजिए, इस पॉइंट तो ऑरिजिन ऑरिजिन हो, ठीक है उसको ले लेते हैं। देखिए जैसे इसमें है 95% इथेनॉल सोर्सिंग वाटर होना चाहिए, तो उस तरह से अगर इसका मॉलिक्यूलर सॉरी मोल फ्रैक्शन अगर उस वॉल्यूम में निकाला जाए, तो एक सर्टेन सपोज करते हैं इस वॉल्यूम पे अगर इसी किसी भी पॉइंट पर आ सकता है, वो पॉइंट हमें अभी नहीं पता है, तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे यहाँ जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पर काइवन का वैल्यू होगा 95% इथेनॉल सॉल्यूशन बाय मास हैज 95% इथेनॉल इन H2O बाय वॉल्यूम, आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे H2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैज 5% H2 has 5% काइवन जो होता है वो है 95% इथेनॉल इन H2O और H2 काइटो जो होता है वो वाटर हो जाएगा, तो वाटर का कितना 5%। सपोज करते हैं कि एक स्पेसिफिक कंपोजिशन इसका है और वो कंपोजिशन है पॉइंट पी पे, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम आए और इस पॉइंट पे हमने ले लिया कि एक्स काइवन का वैल्यू 1 है, तो काइटू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे काइटू का वैल्यू 0 है, इट मीन्स केवल और केवल उसमें क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल है तो इतना सपोर्ट करते हैं कि इस टेम्परेचर पे ये बॉयल करना शुरू होगा, इट मीन्स वेपर प्रेशर यहाँ से इंक्रीज, वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे बढ़ेगा, इस टेम्परेचर पे फॉल होना स्टार्ट होगा और ये हमारा मिनिमम बॉयलिंग टेम्परेचर है, नेगेटिव डेविएशन सॉरी ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो किसी एक सर्टेन टेम्परेचर अगर हम ले लिए, सर्टेन टेम्परेचर ले लिए और यहाँ पे हम इस टेम्परेचर को हम दिखा दें कि ये T1 टेम्परेचर हो गया, ठीक है T1 टेम्परेचर किसके लिए, जब वो अपने प्योर स्टेट में रहेगा, काइवन अपने प्योर स्टेट में है, क्या भाई इथेनॉल है इसमें और काइटू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे काइवन 0 और काइटू 1, इट मीन्स क्या हो गया, वाटर का इथेनॉल का इथेनॉल यहाँ पे 0 हो गया, इथेनॉल यहाँ है और वाटर 100% हो गया, लेकिन ये पी पॉइंट पे क्या है, X1 है 95% इथेनॉल इन H2O और H2 है ओनली 5%, मीन्स वही वाटर 5% है, 5% है। तो इसमें हम इस पॉइंट को सपोज करते हैं कि इस पॉइंट को हम T2 बोल दिए, T2 इट मीन्स T2 टेम्परेचर पे ये अगर कब जब वाटर रहेगा तो वो बॉयल स्टार्ट होगा, वेपर प्रेशर उसमें वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब एक ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, मिनिमम बॉयलिंग एजिट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे इस टेम्परेचर मिनिमम कर पे लाई करेगा, पी पॉइंट पे इस ग्राफ का मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर T1 था जब काइवन का वैल्यू यहाँ 1 था, काइवन का वैल्यू 1 हो गया, इट मीन्स इसमें केवल और केवल इथेनॉल है, तो वो हम सपोज करते हैं वो टेम्परेचर हमको नहीं मालूम है, हमने बस एज्यूम कर लिया कि वो टेम्परेचर T1 पे क्या हो रहा है, वेपर बनना स्टार्ट हो रहा है, फिर एक टेम्परेचर T2 मान लिया जहाँ पे केवल केवल इथेनॉल है सॉरी केवल केवल वाटर है, सेकेंड लिक्विड है, सेकेंड यहाँ वाटर है, तो वो T2 टेम्परेचर पे वेपर बनाया स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर उसका लिक्विड वेपर फेज में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, मिनिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप्स, इट मीन्स पी पॉइंट पे क्या है कि X1 है 95% इथेनॉल इन वाटर, इट मीन्स 95% इथेनॉल इस पॉइंट पे
मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन छोड़ दीजिए, इस पॉइंट का कंपोजिशन क्या है, 95% इथेनॉलिक मैटर है और एस्टुकेर 5% है, तो इस पॉइंट पर मिनिमम होगा। ये जो पॉइंट पी है ये हो गया हमारा एजोट्रॉपिक कंपोजिशन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं टी ए, दैट इज एजोट्रॉपिक टेम्परेचर, और ये हो गया एजोट्रॉपिक कंपोजिशन। तो ये था कि मिनिमम इसमें हमारा शो करेगा। अब देखिए मैक्सिमम ग्राफ आसानी से आप बना सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, HNO3H2O/4O, देखिए कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे मिनिमम वहाँ पे मैक्सिमम चला जाएगा कि मैक्सिमम बॉयलिंग एजियोट्रॉप से, और ये हमें हमारा क्या दे रहा है, पॉजिटिव डिविजन फ्रॉम रॉड्स लॉ से दे रहा है, ये तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे X1 को, यहाँ पे मैं HNO3 को 1 ले लेता हूँ और H2O को मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ग्राफ के लिए मैं समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, वहाँ पे 1 था, यहाँ पे आप उस ग्राफ से इसको मिला सकते हैं, और K2 का वैल्यू हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने बॉन्डिंग बना लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 का वैल्यू 0 और K2 का वैल्यू 1, उसकी जस्ट अपोजिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे HNO3 1 फर्स्ट है, H2O सेकेंड है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये मैसेज दिखा दिया, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। तो देखिए, और यहाँ पे ये दिखाना गलत हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे बस मोल फ्रैक्शन का ये प्लॉट है। अब मोल फ्रैक्शन 2 दोनों लिक्विड्स का ना मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है कि दोनों लिक्विड्स का मोल फ्रैक्शन है, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को इंक्रीमेंट नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक इंक्रीज कर रहा था, दूसरा डिक्रीज भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा। और यहाँ टेम्परेचर को आप दिखा सकते हैं, टेम्परेचर को आप दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट पे K1 का वैल्यू 1, इट मीन्स HNO3 100% है, और वाटर 0%, इट मीन्स प्योर और प्योर HNO3 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ जो होगा, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि T1 मान लें, T1 क्यों, 1 जहाँ जहाँ है वहाँ पर HNO3 की बात हो रहा है, ठीक है, 2 जहाँ जहाँ है उसके लिए H2 का बात हो रहा है, यहाँ पे HNO3 के लिए हम ले लिया, और यहाँ पे हम सपोज करते हैं यहाँ पे हम ले लिए टेम्परेचर, हाँ यहाँ पे हम टेम्परेचर T2 ले लिए, किसके लिए ले लिए, जब यहाँ पे X1 K1 का वैल्यू 0 था, इट मीन्स HNO3 था ही नहीं, केवल और केवल वाटर था। अब देखिए यहाँ पे है कि 68% HNO3 पे H2O/4O, सपोज करते हैं जिस तरह से हम, जैसे मैंने यहाँ पे आगे पॉइंट पी लिया था, उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं, यहीं पे सपोज करते हैं, मानते हैं ये पॉइंट पी हो गया। तो इस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है कि ये मैक्सिमम को दिखाया, क्योंकि यहाँ क्या नाम है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, आप नाम से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। तो ये हाईली पॉजिटिव हाईली नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है, नेगेटिव यहाँ किस चीज के लिए हम बता रहे हैं, वेपर प्रेशर के लिए बता रहे हैं। देखिए इस पॉइंट पे ये जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, अब यहाँ दिखाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं यही बोल दे रहा हूँ, ये टेम्परेचर होगा एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर, जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ समझ जाइए कि वो एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर का बात कर रहा है। यहाँ पर एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर है, और यहाँ पर फिर ऐसे हो जाता है, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया और फिर यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर गया, तो यहाँ से इस पॉइंट पे क्या है, एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर है, और ये पॉइंट क्या है, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है। मोल फ्रैक्शन पे इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर। इसी कंपोजिशन पे और इसी टेम्परेचर पे ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अपना मिक्सचर को शो करेगा, एजियोट्रॉपिक नेचर शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, तो TA जो टेम्परेचर ऑफ एजियोट्रॉपिक टेम्परेचर, और ये इसी इस पर पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी का जो कंपोजिशन है
वो क्या 68% ऑफ इट, यू नो 3H2O बाय वॉल्यूम के लिए ही तो इसका एग्जांपल है कि जब भी जब तक 68% HNO3 वाटर में नहीं होगा उसके वॉल्यूम के हिसाब से तब तक वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर शो नहीं करेगा। और वो भी किस टेम्परेचर पे शो करेगा, तो जिस टेम्परेचर पे उसका मैक्सिमम होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T1 एंड T2। एंड T1 इज टेम्परेचर ऑफ वेयर देयर इज ओनली HNO3, T2 इज टेम्परेचर वेयर देयर इज H2O। हो गया बात खत्म, तो यही सब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट, और एजियोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट इसका एग्जांपल ये सब। तो अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर 10 में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, पहला प्रॉपर्टीज। तो थैंक यू।